तो फ्रेंड्स काफी काम हो चुका है। तो यदि आपने घर पे बना के खा लिया इस तरह से तो बहुत ही टेस्टफुल होगा। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पे और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स सुबह का कार्य चल रहा है और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, दूध गर्म हो चुका है, साथ में और भी बहुत सारे काम हो चुके हैं। और फिलहाल यहाँ पे मैंने तंदूरियां बना लिए हैं, तो दादी सबको पसंद है तो थोड़ा सा मैंने लेके बनाया। वैसे अभी मैं एक आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो झोल वाला साग बोलते हैं, झोल वाला आलू का साग यानी कि रस्से वाली या ग्रेवी वाली आलू की सब्जी, वो मैं बनाऊंगी। अभी क्या करते हैं, ज्यादातर हम आलू बॉईल करके रख देते हैं, कभी मसाला बना लो कभी सैंडविच, क्योंकि अभी आलू है ना अंदर से बाहर से पक जाता है, अंदर से कड़क होते हैं, तो उसको उबाल के रख लेते हैं तो पकाने में भी आसानी होती है, फटाक से सब्जी बना लो या कुछ बना लो। तो इस तरह से मैं बॉईल करके रखती हूँ, तो अभी फटाफट से सब्जी बना दूंगी। और चंदलिया तो हमारे रेडी हो गए, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। थोड़े से प्याज मैंने ज्यादा डाल दिया आज, चंदलिया कम था तो मैंने प्याज ज्यादा डाल दी। जैसे कि यदि चंदलिया कम है तो उसमें प्याज ज्यादा डाल देते हैं तो सब्जी टेस्टी भी लगती है और थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो इसी तरह से मैंने बना दी है चंदलिया की सब्जी। चंदलिया की सब्जी देखनी है तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। चंदलिया होता है, चंदलाई भी बोलते हैं इसको, लाल भी आती है, लाल पत्ती वाली, लाल और हरी पत्ती वाली भी आती है। और अभी वैसे बारिश में मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ, कई बार सफेद दाग वाले, लेकिन कल वो अच्छा लाया था और दादी सबको पसंद, तो मैंने थोड़ा सा लेके बना दिया है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ दादी सबको अब नाश्ते का टाइम हो गया, तो मैंने बेसन का पराठा तो उनके लिए बना दिया है, रेडी करके रखा है, अच्छा सा बेसन डाल के मोइन डाल के कड़क बनाया उसको, लेकिन है सॉफ्ट, ये खाने में बहुत सॉफ्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखी है कैर कुमटी की, देखे आप, मैंने बनाई थी कैर कुमटी की सब्जी और पूरा फुल बड़ा डोंगा भर के, और अब 2-3 दिन में इसकी देखे हालत इतनी सी हो गई है। अर्जुन को और सबको विशेष बेहद पसंद है, इसके पापा भी खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, सबको दादी से ने बोला मैं आज नाश्ते में पराठे के साथ यही खाऊंगी, तो उनके लिए भी मैं दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं सब्जी का क्या हाल हो चुका है, इतनी सी हो गई है। तो मैंने रखी है, तो मैंने कहा और बना के रख लेंगे तो अच्छी भी लगती है, अभी कोई सब्जी नहीं है, फटाफट से पराठे फुलके कुछ बना हुआ लेके खा लो तो अच्छी लगती है। तो चलिए दादी सबको नाश्ता करा देती हूँ, बाद में बनाएंगे हम और भी कई चीजें, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स काफी काम हो चुका है और अब हम बना रहे हैं एक इटालियन रेसिपी, जो कि काफी दिनों से मैं सोच रही थी, पास्ता लाके मैंने रखा था, तो पास्ता बनाएंगे। बच्चों में बेहद लोकप्रिय होता है, बच्चा मन चाहे जब बच्चे बोलते हैं कि आज पास्ता बनाओ या चाउमीन बनाओ, ऐसी चीजें बच्चों को पसंद आती है, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या है, रोटी और सब्जी खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या 1-2 दिन खा लेते हैं फिर बोलते हैं हम तो बोर हो गए, अब हमको कुछ चाहिए नया चाहिए, तो पास्ता बना लें। तो इसी तरह से आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस वाला पास्ता, रेड सॉस वाला पास्ता भी मैं दिखाऊंगी, पहले व्हाइट सॉस वाला बना लेते हैं। तो उसमें देखिए इतनी सारी चीजें चाहिए जो मैंने यहाँ जमा के रखी, इसका मैं बनाऊंगी वीडियो जो कि जल्द ही मेरे चैनल पे उपलब्ध होगा, तो आप पूरी रेसिपी वहां पे देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको थोड़ी सामग्री दिखाई है और पास्ता जब बनेगा तब दिखाऊंगी, बाकी पूरी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख के और पास्ता बना सकते हैं घर पे, बहुत ही टेस्टी।
लिखी थी अभी सामग्री पास्ता बनाने की, यानी कि व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस वाला भी बनता है, दो तरह के बनते हैं, तो उस तरह से मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं पीछे रेडी हो गया है, सामग्री देखने के बाद सीधा आप पास्ता देख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आंटी ने दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि इसकी रेसिपी मेरी पहले बनाई हुई नहीं थी, मैंने अभी डाली है। तो आप मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी पूरी देख के और स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पास्ता बना है, ऐसा पास्ता आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। यदि आपने घर पे बना के खा लिया इस तरह से तो बहुत ही टेस्टफुल होगा, बच्चों को क्या, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को बेहद पसंद आएगा। और इसी तरह से आप अपने घर पे बनाइए, रेड वाला भी बना के दिखाऊंगी, पहले व्हाइट वाला बना के खाइए और फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अगला दिन है और कल शाम को मैंने बनाया था पास्ता, तो सभी ने खाया था पास्ता। वैसे इसके पापा को थोड़ा कम पसंद है और दादी सा को भी थोड़ा थोड़ा चख लिया उन्होंने, उनके लिए दूसरी सब्जी और बनाई थी। हम तीनों ने तो भर पेट खाया पास्ता, और व्हाइट सॉस वाला मैंने बनाया था। कई लोगों को व्हाइट सॉस पसंद होता है, कई को रेड वाला पसंद होता है टमाटर वगैरह डाले हुए, तो जिस तरह से भी चाहे। फिलहाल तो मैंने व्हाइट सॉस वाला बनाया, रेड वाला भी बनाएंगे। तो फिलहाल आप ये देख के घर पे रेसिपी बना सकते हैं। और अब अगला दिन हो गया है, तो अब अगले दिन से शुरू हो जाता है नाश्ता वगैरह, थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है, अब चल रहा है दूसरा काम। तो आप यहाँ देख सकते हैं आम पड़े, तो भाई अभी तो आम का मौसम चल रहा है, तो आम लेके जैसे रख देते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पीले पड़ने लग जाते हैं, लगता है कि भाई थोड़ा सा पीला हो गया आम हमारा, मतलब हल्का सा ढीला। तो सोचते हैं ताजे ले रहे हैं तो पुराने आम का क्या करेंगे, तो पुराने आम के क्या करेंगे, आइसक्रीम बनाएंगे और क्या करेंगे, डब्बा भर भर के बनती है। इसके पापा को सबसे ज्यादा पसंद है आइसक्रीम, अमरस भी नहीं पीते वो, और भी कोई चीज है जैसे बना लेते हैं कस्टर्ड आम के साथ, या बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने बना रखी, आम पापड़ बना रखे हैं, और भी कई तरह की चीजें बनती है आम से, आम की बर्फी भी मैंने बना रखी है, तो वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम बनाते हैं फिरनी, तो आम वाली फिरनी, मैंगो फिरनी भी मैंने बनाई, आप पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी आपको नई नई मिलेगी। तो फिलहाल तो आम की मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी कर रखी है, यहाँ पे देखिए मिर्ची कटी हुई है, ऑलवेज मिर्ची, मिर्ची तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि हमारे घर में कितनी पसंद है और किसे पसंद है। तो मिर्ची काट के रखी है, साथ में मेथी बॉईल कर दी मैंने, और ये मेथी मैंने दो, एक तो दाना मेथी पापड़ की सब्जी बनाऊंगी जो कि दादी साहब को पसंद है, एक ये मिर्ची बनाऊंगी मेथी वाली वो इसके पापा को पसंद है, और साथ में मैंने अरहर की दाल भिगोई है, तो मैं सांभर बनाऊंगी थोड़ा। ये सांभर के लिए मैंने सब्जियां और काट के रख दी है अभी, तो चढ़ाऊंगी मैं सांभर। तो सांभर बना रही हूँ मैं, शाम के लिए बना के प्रिपेयर करके रख दूंगी, तो प्रिपेयर करके रख देती हूँ, सांभर है, नारियल की चटनी और वगैरह ऐसे बना देती हूँ। तो अगर डोसा बना रहे हैं तो आलू का मसाला भी बना देती हूँ, तो आलू भी बॉईल है। लेकिन आज बनाएंगे हम इडली, तो इडली पसंद है राधिका को, तो वो अभी स्कूल गई है, तो उसके आने से पहले सांभर वगैरह सब तैयार कर दूंगी मैं, और इडली वो बना लेगी शाम को आएगी तब, तो शाम को सब इडली सांभर खा लेंगे। और फिलहाल अभी ये सब्जियां तो बनी रही है, तो इसी तरह से मैंने आपको दिखा दी, अब चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। काम करते करते एक और चीज याद आई कि ये देखिए यहाँ पे पड़े हैं रसगुल्ले छोटे वाले, तो ये थोड़े ज्यादा मात्रा में थे, थोड़े थोड़े तो खाए सबने, पर ये इतने बच गए हैं। तो क्या होता है कि कई बार जाओ तो कोई चीज पड़ी है तो बस मन पड़ जाता है कि खाली रसगुल्ले तो सबने खा लिए है, तो अब इसका मैं बना दूंगी रस मलाई, यानी कि इसका रूप बदल दूंगी, तो सबको और इंटरेस्ट बाद में आ जाएगा खाने में, नहीं तो कई बार पड़े रहती है मिठाई खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी बनाऊंगी रस मलाई। यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई, और अब इसमें मैं डालूंगी दूध, तो दूध डाल के इसको अच्छे से गर्म करूंगी, तो अभी इलायची और केसर डालूंगी, फिर बाद में मैं बताती हूँ, अभी इसको गर्म करते हैं पहले। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, वैसे दो तीन बार ये गर्म हुआ हुआ ही था थोड़ा सा मलाई वाला, तो अब ये जो केसर है देखिए पानी में डालें, अच्छा कलर छोड़ती है ये, तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इस कटोरी में भी दूध लेके, और जैसे जैसे गर्म होगा इसका कलर छूटता जाएगा, इसमें केसरी कलर हो जाएगा बिल्कुल इसका। तो अब ये तो हमने कर दिया, और साथ में अब इसमें डाल दूंगी मैं इलायची पाउडर, मिक्स कर लेंगे। तो हमेशा से रसमलाई का जो दूध होता है वो थोड़ा पतला ही रखा जाता है, लेकिन कई बार दुकानों में बहुत ज्यादा ही पतला होता है, मैं थोड़ा सा गाढ़ा रखती हूँ इसको। तो जैसे अभी तो ये दूध गर्म होगा, इसके अंदर मैं मिला दूंगी कंडेंस मिल्क, उससे क्या है कि ज्यादा इसको पकाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छा इसके अंदर मावे वाला टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये देखिए एक चम्मच मैंने ये मिला दिया, और हल्का सा मीठा भी हो जाएगा, थोड़े रसगुल्ले भी हमारे मीठे हैं तो शुगर भी नहीं डालनी पड़ेगी। और यदि कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा दूध को उबाल के उसमें डाल लें शक्कर थोड़ी, यदि आपके पास मिल्क पाउडर पड़ा है तो वो डाल लें,
जैसा कि मैंने कई बार बताया, दूध को गाढ़ा करने के लिए मावा घिस के डाल लें और कुछ भी नहीं है, कॉर्नफ्लोर पड़ा है तो थोड़ा सा गुनगुने, हल्के से गुनगुने दूध में कॉर्नफ्लोर घोलिए 1-2 चम्मच और दूध में मिला दीजिए, आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, अब मैंने डाल दिया, इससे इसका हल्का मीठापन भी हो गया और अच्छा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतना गाढ़ा हो गया, अब इसको पड़ा पड़ा और गाढ़ा हो जाएगा जब फ्रीज में ठंडा करेंगे। ये देखिए आप, तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पतला रखते हैं दुकान वाले, मैंने हल्का सा गाढ़ा रखा है। तो अब ये मीठा भी हो गया, केसर इलायची भी हो गई, अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल देते, भिगो दिया था पानी में। तो ये देखिए पिस्ता कतरन हो गई इसके अंदर, अब इसको एक बार फिर से हिला देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसके अंदर, और फटाफट से बन गई है हमारी रस मलाई का रस बन गया। अब इसमें डाल देते हैं रसगुल्ले, तो बस अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा रस, मैंने निकाल दिया है रसगुल्ले का, ये देखिए। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसे दबा देंगे और इसमें डाल देंगे ये मीठे वाले रसगुल्ले। तो ये देखिए बस हमारी रसगुल्ले रस मलाई तैयार हो गई है, बढ़िया सी रूप भी बदल गया। अब किसी को खिलाएंगे तो भाई आपने रसगुल्ले तो खा लिया, अब रसमलाई खा लो। यहाँ पे देख सकते हैं ये, अब गैस ऑफ कर देंगे, हमारी रसमलाई तैयार हो गई है, अच्छे से इसके अंदर हो जाएगा दूध ऑब्जर्व, ये देखे आप। और एकदम से ठंडा ठंडा और भी रसगुल्ले डाल सकते हैं, अभी तो इसके अंदर बहुत गुंजाइश है, तो जैसे अगर लगेगा तो और डाल देंगे इसके अंदर, अभी मैंने फिलहाल इतने डाल दिए हैं। और इसको ठंडा करके खाएं, मजा आ जाएगा, रसगुल्ले तो खा लिए, अब रसमलाई खा लेंगे। तो यहाँ पे पापड़ मेथी की सब्जी बन के तैयार हो गई है, और सुबह का समय बहुत बिजी होता है, तो आप लोग इसकी रेसिपी देख सकते हैं और मेरे चैनल पे उपलब्ध है। यहाँ पे मैंने मेथी वाली मिर्ची बना ली है ऑलवेज, आप देख सकते हैं इसकी भी रेसिपी, और साथ में सांभर बन गया है, अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने आम छील के रख दिए, अभी कट करके और इसको फेट इसका गूदा बना लूंगी, फिर क्रीम में मिला के और मैं आइसक्रीम जमाऊंगी, साथ साथ सभी काम चल रहे हैं। तो आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई, आम का पल्प और क्रीम वगैरह सब मिला दिए, थोड़ा सा इलायची पाउडर, शुगर, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है, आप कई चीज़ें होती है मिला सकते हैं, मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क मिला सकते हैं, मिल्क पाउडर मिला सकते हैं, गाढ़ा दूध करके मलाई वाला वो मिला सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर मिला सकते हैं इस तरह से, और बहुत सारे तरीके मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं आइसक्रीम बनाने के। तो वो सब देख के आप आम की आइसक्रीम बना सकते हैं, क्योंकि जल्दी से बना लीजिए, आम का मौसम जाने वाला है। बॉक्स में डाल दिए मैंने आइसक्रीम, अब जमाने के लिए रख देते हैं, 7-8 घंटे लगेंगे इसे जमने में। तो शाम हो चुकी है, शाम को बनेगी इडली, और जैसा कि मैंने बताया था सांभर बनाए, तो मैंने तड़का लगा दिया है सांभर में, और बस अब इडली बना लेंगे, इडली सांभर खा लेंगे और थोड़ी सब्जियां वगैरह है। इसके पापा को इडली कम पसंद है, तो वो सब्जी और अपना अलग से उनके फुलके बना देंगे, तो वो खा लेंगे। तो लाइट लाइट अच्छी रहती है इडली, तो ज़्यादा फ्राई वाला भी नहीं, वैसे ज़्यादा सब लोग डोसा पसंद करते हैं, तो कभी कभी इडली भी बना देते हैं, इडली सांभर। तो सांभर में तड़का सब लगा दिया है, राधिका इडली बना रही है, तब तक मैं ये सांगरी साफ कर लेती हूँ। देखिए अभी तो आपने देखा ना कि क्या है बनाए, और फिर से ले आए हम सांगरी। तो क्या है कि अर्जुन को और सबको बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि और बनाओ, वो तो हमारी ख़त्म भी हो गई 3-4 दिन में, तो फिर से बना लेंगे।